हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार बिल्कुल अपने आखिरी दौर में है, लिहाजा तमाम दलों के कद्दावर नेताओं ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सोमवार को अम्बाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक की यात्रा निकालने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सोनीपत में मेगा रोड शो के साथ साथ विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी कमान खुद सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ने संभाल रखी है। पवार का दावा है कि रैली में 20 से 25 हजार की संख्या में लोग शामिल होंगे। देखिए, आज आदरणीय राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी सभी आ रहे हैं और धादक रैली की बात है। रैली 15 सेक्टर में जो चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित किया हुआ स्थान है वहाँ पर हो रहा है और मुझे लगता है कि करीब करीब 20 से 25 हजार लोग जो है रैली स्थल पर पहुँचेंगे और रोड शो है, हजार लाखों की संख्या में जो है लोग उनका स्वागत। तैयारियां पूरी कर ली गई है क्या पवार? क्योंकि समय कम था, कल फाइनल हुआ था, लेकिन तैयारी बिल्कुल एकदम से पूरी है। कितना जन समर्थन पवार जी आपको मिला, क्योंकि बीजेपी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि सोनीपत में जो कार्य होने चाहिए। बीजेपी के प्रत्याशी आरोप भी लगा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। मुझे पूछ लेते हैं कि भाई आरोप लगाने की बजाय तू ये बता भी तुमने क्या कराया है। सबसे पहले जो काम है, जो क्योंकि सोनीपत में ट्रेनों की बहुत समस्या है, मेट्रो की ट्रेन की बहुत जरूरत है, 30 से 40 हजार दैनिक यात्री जाते हैं डेली सोनीपत में। रैपिड ट्रेन की जरूरत है, जो रैपिड ट्रेन जो दिल्ली से क्योंकि पानीपत और करनाल तक जो फाइनल हो चुकी है लेकिन बनाई नहीं जा रही है, उसकी जरूरत है। शहर में कई बाईपास की जरूरत है, शहर में जाम लग जाता है। और बाकी जो सीवर और पानी की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान और जो पोर्टल बने हुए हैं, जो कि ठगी का एक अड्डा बना रखा है सरकार ने, इन सब का जो समाधान करने। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सुरेंद्र पवार कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके बाहर आते ही हल्के का पूरा माहौल बदल चुका है और पवार को भारी जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।